वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी स्किन है वो बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस पे पिंपल्स रहते हैं। अगर पिंपल्स ठीक भी हो गए हैं तो उसके बहुत सारे स्पॉट्स फेस पे हैं, जैसे कि उनका फेस बहुत ही गंदा लगता है। और जो मेन प्रॉब्लम है वो है ऑयली स्किन, बिकॉज ऑयली स्किन वालों को ही सबसे ज्यादा पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम होती है। और ये लोग बहुत सारे DIY सर्च करते रहते हैं, लाइक मेरी भी ऑयली टू नॉर्मल स्किन है बट मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। सो गाइस, बहुत सारे DIY सर्च करने के बाद भी या बहुत सारे फेस वॉशेस या बहुत सारी क्रीम्स को अप्लाई करने के बाद भी ये जो प्रॉब्लम होती है एक्ने प्लस ऑयली स्किन की, वो ठीक नहीं होती है। इसी के लिए मैं आप लोग के लिए लाई हूँ 3 अमेजिंग से फेस वॉशेस, जिन्हें अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। गाइस, तीनों ही फेस वॉशेस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और आपको हर जगह मिल जाएंगे। सो वन बाय वन मैं आपको तीनों के बारे में बताऊंगी और आपको जो भी फेस वॉश अच्छा लगे वो आप जरूर ट्राई करिएगा। और मैं आपको उनमें से अपना फेवरेट भी बताऊंगी कि मैं कौन सा यूज करती हूँ या मैंने किया है। सो आपको जो भी अच्छा लगे सो आप जरूर ट्राई करें। मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। सो गाइस, जो फर्स्ट फेस वॉश है दैट इज जॉय प्योर नेम स्किन प्यूरिफाइंग फेस वॉश, काफी अच्छा फेस वॉश है। गाइस, ये आपको 100 ml का ट्यूब आपको मिलेगा 110 rupees में, जो कि बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, अफोर्डेबल प्राइस में ही अवेलेबल है। इसके जो 3 बेनिफिट्स हैं ये इसमें शो किए गए हैं यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो तो। स्पेशली आपकी जो स्किन की इम्प्योरिटीज हैं उसे क्लीन करता है, आपके स्किन के ग्लो को एनहेंस करता है, साथ ही साथ आपके स्किन में जो इरिटेशन रहती है उसे दूर करके आपकी स्किन को स्मूथ बनाता है। काफी अच्छा फेस वॉश है और मैंने इसे ट्राई तो नहीं किया है बट मैंने इसके बारे में काफी कुछ सुना था, बिकॉज इसमें नीम है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है नीम में। अगर आपको एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है और आप कम पैसों में एक बेहतर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। गाइस, काफी अच्छा है, स्मेल वाइज भी काफी अच्छा है और ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें बहुत ज्यादा ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐड किए गए हैं। मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स भी रीड किए हैं तो उसमें पैराबीन वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया गया है, नॉर्मल जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं फेस वॉशेस में वही ऐड किए गए हैं। सो गाइस, काफी अच्छा फेस वॉश है, आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज हिमालय का प्यूरिफाइंग नीम फेस वॉश, दिस इज मोस्ट पॉपुलर फेस वॉश। जिसे भी पिंपल्स होते हैं वो कभी ना कभी इस फेस वॉश को जरूर जरूर ट्राई करता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है एंड अच्छा सा ब्रांड है हिमालय का। हम सभी जानते हैं कि हिमालय एक बहुत ही अच्छा एंड ट्रस्टेड ब्रांड है। सो इसमें क्लेम ही किया गया है कि ये पिंपल्स को प्रिवेंट करने के लिए है, काफी अच्छा फेस वॉश है, आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। सो गाइस, ये मेरे पास जो आप छुटकू सा पैक देख रहे हैं ये है 15 rupees का और ये 15 ml ही है और आपको इससे बड़े ट्यूब सेप भी मिल जाएंगे, सो आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, सो आप चाहें तो इससे भी ट्राई कर सकते हैं। गाइस, नाउ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट की, दैट इज अरोमा मैजिक नीम एंड ट्री ट्री फेस वॉश। ये ब्लॉसम कोचर से है एंड गाइस दिस इज माय पर्सनल फेवरेट, मैंने इसे काफी टाइम तक यूज किया है, बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये, स्पेशली ये एक्ने कंट्रोल करता है प्लस आपके फेस से ऑयल को बैलेंस करता है, साथ ही साथ इसमें कोई भी ऐसा केमिकल वाला इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी ऐसा हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को जरा सा भी इरिटेट करे या कोई भी हार्म पहुंचाए, तो मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट फेस वॉश है ऑयली स्किन वालों के लिए प्लस एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसके लिए। नाउ बात करते हैं इसके प्राइस की। सो गाइस, आपको ये 100 ml का ट्यूब मिल जाएगा 170 rupees का और ये मैंने ऑनलाइन परचेस किया था, शायद इससे थोड़ा कम में मिला था, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से चेकआउट जरूर करें, अगर चाहें तो परचेस भी कर सकते हैं और इसे एक बार यूज करके जरूर देखें अगर आप ऑयली स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो। ये कई वेरियंट्स में आपको मिल जाएगा, ऑरेंज, येलो एंड ग्रीन, जिसमें भी आप चाहें, जिस टाइप की आप स्किन टाइप है आपका उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। एंड इसमें मेंशन भी किया गया है, साइड से देख सकते हैं आप, ये स्पेशली फॉर ऑयली स्किन है, सो ये अलग अलग वेरिएंट में मिल जाएगा आपको, बट अगर आप ऑयली स्किन से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो आप एक बार ये फेस वॉश जरूर ट्राई करें। गाइस, ये थे मेरे तीनों प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, स्पेशली मैंने आपको इसे बहुत ज्यादा रिकमेंड इसलिए किया है क्योंकि मैंने इसे काफी टाइम तक यूज किया है और ये काफी अच्छा है, स्मेल वाइज भी काफी अच्छा है और इसमें नीम के साथ साथ, बिकॉज आपको इन दो फेस वॉशेस में ओनली नीम की क्वालिटीज मिलती है, इसमें आपको नीम प्लस टी ट्री ऑयल दोनों की क्वालिटीज मिल जाती है, जिससे आपके लिए ये डबल बेनिफिट हो जाता है, तो आप
तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए और तो आप एक बार ये वाला फेस वॉश जरूर ट्राई करें। सो गाइस बस यही था आज के वीडियो में, आप लोग के साथ ये तीन फेस वॉशेस शेयर करने थे। अगर आप ऑयली स्किन से परेशान है बहुत ज्यादा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच एंड बाय।